जल कर के वृद्धि में प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक में प्रशासन को लौटा दिया गया था, जबकि आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट कर दिया है कि जल कर में वृद्धि होकर रहेगी। भारी भरकम बिजली बिल आने पर खुद को आग लगाकर जान देने के प्रकरण में महावितरण में हड़कंप मच गया है। इस मामले में बिजली कंपनी ने दावा किया है कि ग्राहक को ठीक बिल दिया गया था, इस प्रकरण के लिए महावितरण जवाबदार नहीं है। उपराजधानी में गणपति विसर्जन के पूर्व मुख्य तालाबों के पानी की जांच काम में स्वयंसेवी संस्था ग्रीन डिजिटल फाउंडेशन की टीम जुट गई है। टीम ने जांच में कुछ ऐसे तालाब भी पाए जिनकी हालत बेहद खराब है। वही बताया गया कि यदि यहां मूर्ति विसर्जित की गई तो इसका परितंत्र तबाह हो जाएगा। महापालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बजट की आधी रकम मतलब 1500 करोड़ रुपए का राजस्व वित्तीय वर्ष में जमा होने की संभावना मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने व्यक्त की है। इससे शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसमें जलपूर्ति योजना का सक्षमीकरण, शहर की सड़कों का विकास, मल निस्तारण योजना, पथदीप परिवहन, प्रस्तावित CBS स्कूलों के प्रकल्प समेत अन्य योजनाएं शामिल है। COVID-19 के संकट के दौर में ट्रैफिक पुलिस जान पर खेलकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, लेकिन कुछ वाहन चालक अपना दायित्व भूलकर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। विगत 4 दिनों में इस तरह के 3136 दोषी चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास शहर में छाया हुआ है। हालांकि COVID-19 के संक्रमण के कारण शहर में दही हांडी का आयोजन को रद्द किया गया है। मंदिरों में सादगी पूर्ण तरीके से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नेताओं के दम पर गुंडागर्दी करने वाले साहिल सैयद शहर पुलिस के एक पूर्व अधिकारी का बेटा भी जुड़ा है। अधिकारी पुत्र की बदौलत साहिल ने धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने के कई बड़े मामले को अंजाम दिया। लंबे समय से शहर में दलाली की दुकान चला रहे इस युवक की सच्चाई से कई मामलों का खुलासा हो सकता है। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण का दर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को जिले में 604 और नए पॉजिटिव मिले हैं। 19 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 9384 हो गई है। नागपुर में सोमवार को भी दिन भर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे तक 14.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज सुबह जहां हल्की बारिश हुई, वहीं दोपहर 3:30 बजे के बाद बारिश की रफ्तार थोड़ी बढ़ी। अगस्त महीने में COVID-19 के संक्रमितों की तादाद देश सहित राज्य में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुखद बात यह है कि संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में भी सुधार आया है। इसके विपरीत नागपुर जिले में मरीजों की तादाद बढ़ी है।